बोली, बिन संतान के घर में दुल्हा होई रही है बदना। अब का करे कि तनाए कने सुनाए मन की कहानी, इतनी कई के रोन लगी घर रानी। ए महाराज, इसी बात की चिंता में सब रात नींद आती है, रोटी तक नहीं भाती है सब। मेरे में मोती तलक नहीं आती है और रानी घर बिला खाती है। अपने पति से अपने मन की बात कही। श्रीमन, समाज में बड़ा हंसी हो रही है, बड़ा बदनामी हो रही है, कोई तुम्हें कमजोर बता रही है, कोई मुझे बांझ कह रही है। इस बात से हम बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है। तो उत्तान पाद कहने लगे, पागल हो है? घर में लड़का देना और न देना और देने के बाद में भी छी लेना, ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, तो सब भगवान के हाथ की बात। घर में लड़का देना और ना देना और देने के बाद में भी छीन लेना, ये हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। और ये चिंता करना बिना मतलब में आंसू बहाना, ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है महारानी। क्योंकि चिंता करने से आदमी का दुख कम नहीं होता, सिर्फ आदमी की उम्र घटती है। क्योंकि चिंता चिता में ज्यादा अंतर नहीं है, चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क है। चिंता और चिता, ये चिंता जिंदा आदमी को खाती है और मुर्दा को चिता जलाती, नष्ट दोनों ही कर दे। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वो अंदर ही घुट घुट के मर जाते हैं। महारानी मेरी एक बात सुनो, एक मैं बात कहना चाहूंगा। क्या? तो बोले कि ये चिंता बड़ी चिता से है और जो नर को निर्जीव बना। चिंता नहीं करी बिना मतलब में, चिंता जिंदा को खाती है।
घर की लाए उत्तर दिया है उत्तान पाद ने महारानी सुनो ये बिना मतलब की बातें चिंता करने से कभी कष्ट नहीं कम होता सिर्फ उम्र कम होती और ये दुख कम होता है भगवान का भजन करने से भगवान का चिंतन करने से क्योंकि कि कोई चिंता दिल में सताए तो भजन कर अगर तुम्हारे मन में शांति नहीं है अगर मन अशांति में है तो सबसे बड़ा एक ही मूल मंत्र है कोई चिंता दिल में सताए तो भजन कर समझा रहे तो पत्री बोली महाराज वो तो बात आपकी ठीक है लेकिन एक बात कहूं क्या बुरा तो नहीं मानोगे नहीं बोली भगवान एक काम करो अगर हमारे कुछ नहीं हुआ तो आप अपने दूसरी शादी कर लो और जब आप अपनी शादी करोगे मेरी सौत घर में आएगी हो सकता है उसके कुछ हो जाए आप अपना दूसरा विवाह कर लो जो तानपाद ने सुना तो खूब ताली मार कैसे बोले हाँ अब समझ में आया कि घर बिगाड़ने का तरीका बहुत अच्छी तरह से ढूंढ लिया तुमने क्या कह रही हो बत्ती खराब आ गई तुम्हारी पागल हो गई तुम दुनिया भर की हर औरत ये कहती है कि हमें मौत मंजूर है लेकिन सौत मंजूर नहीं है और तुम हमसे ये करी हम शादी कर ले पागल हो बत्ती खराब है अगर मेरी विवाह किया तो घर की तो आबादी हो जाएगी लेकिन तुम्हारे जीवन की बर्बादी निश्चित है क्योंकि जिस घर में दो नारियां होती हैं उस घर में दो नालियां बहती हैं और जहां दो नारियां हैं उसमें दो नालियां हैं और दोनों ही बाहर निकल जाती घर में कोई नहीं रहती इसलिए अगर मैंने विवाह किया तो जीवन में तुम्हें रोने के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा क्योंकि लोग कहते मौत गलत है लेकिन मौत गलत नहीं है सौत ज्यादा गलत है क्योंकि मौत का काम यह है जीवन में एक बार आना सारी बीमारी अपने साथ ही ले जाना लेकिन सौत का काम है कदम कदम पे कष्ट देना कदम कदम पे दुख देना और उत्तान पाद अपनी पत्नी से बोले सुनो कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी जो ये कई बार तो आती सुनो मौत गलत है लेकिन सौ से ज्यादा गलत नहीं वो कहते हैं
एक बात और कहना चाहेंगे। उत्तान पाद कहते हैं महारानी सुनिए, लेकिन परसौती के घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। बोले सुन, अगर हमने विवाह कर भी लिया तो जीवन में तुम्हें रोने के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा महारानी। इसलिए जिद ठान के किया हुआ काम उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता, हमेशा गलत होता है। मेरी बात मानो और बिना मतलब की बातें ना करो। अरे लड़का नहीं हुआ तो भी ठीक है, अगर होता तो क्या, और मर भी जाता फिर क्या करते। मेरी बात मानो, चुपचाप शांति से बैठो। तो पत्नी ने जवाब दिया, प्रभु अगर आप अपना विवाह नहीं करोगे तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, क्योंकि समाज की औरतें तरह तरह की ताने मारती हैं हमसे, कोई तुम्हें कमजोर बताती है, कोई मुझे बांझ कहती है, इस बात से हम बहुत परेशान है महाराज, अगर विवाह नहीं किया तो हम जिंदा नहीं रहे। परिणाम ये होगा भक्तों, उत्तान पाद ने समझाया तो बहुत लेकिन पत्नी मानी नहीं, अंत में मजबूरी में आकर के उत्तान पाद को दूसरा विवाह करना ही पड़ा, हो गई दूसरी शादी। पहली जो घर में औरत है उसका नाम है सुनीत, सुनीत सुमाने अच्छे और नीत माने विचार, अच्छे स्वभाव वाली, अच्छी आदत वाली। और जब दूसरी शादी की दूसरी औरत घर में आई उसका नाम था सरुच, सरुच यानी स्वमाने अपनी और रुच माने इच्छा, अपनी इच्छा से चलने वाली, किसी की बात न सुनने वाली। जब दूसरी शादी महाराज उत्तान पाद ने घर में की है, ऐसा ही नहीं, अरे फिर नहीं भमरिया नारी आय सुंदर सी महाराज का। दूसरी पत्नी पालकी में बैठ के दरवाजे पे आ गई, बड़ी रानी को खबर मिली कि मेरे पति ने शादी की, मेरे पति ने मेरे कहने के अनुसार अपना विवाह कर लिया, बहुत खुश हुई। और दासी से बोली, मेरी मां की तरफ क्या देख रही हो, अरे जल्दी से दरबार पे जाओ और हमारी बहन को बुला के ला, उससे जाके कहना कि तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें घर में बुला रही, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा घर में इंतजार कर रही है, जल्दी से जा। और दासी से सारा दिया, बड़ी खानी जा जल्दी जा। अब बोली तो दासी,
बोले सुनो, अगर हमने विवाह कर भी लिया तो जीवन में तुम्हें रोने के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा महारानी। इसलिए जिद ठान के किया हुआ काम उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता, हमेशा गलत होता है। मेरी बात मानो और बिना मतलब की बातें ना करो। अरे लड़का नहीं हुआ तो भी ठीक है, अगर होता तो क्या, और मर भी जाता तो फिर क्या करते। मेरी बात मानो, चुपचाप शांति से बैठो। तो पत्नी ने जवाब दिया, प्रभु अगर आप अपना विवाह नहीं करोगे तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, क्योंकि समाज की औरतें तरह तरह की ताने मारती है हमसे, कोई तुम्हें कमजोर बताती है, कोई मुझे बांच कहती है, इस बात से हम बहुत परेशान है महाराज, अगर विवाह नहीं किया तो हम जिंदा नहीं रहे। परिणाम ये होगा भक्तों, उत्तान पाद ने समझाया तो बहुत, लेकिन पत्नी मानी नहीं। अंत में मजबूरी में आकर के उत्तान पाद को दूसरा विवाह करना ही पड़ा, हो गई दूसरी शादी। पहली जो घर में औरत है उसका नाम है सुनीत, सुनीत सुमाने अच्छे और नीत माने विचार, अच्छे स्वभाव वाली, अच्छी आदत वाली। और जब दूसरी शादी की दूसरी औरत घर में आई उसका नाम था सरुच, सरुच यानी स्वमाने अपनी और रुच माने इच्छा, अपनी इच्छा से चलने वाली, किसी की बात न सुनने वाली। जब दूसरी शादी महाराज उत्तान पाद ने घर में की है, ऐसा ही नहीं, अरे फिर नहीं भमरिया नारी आए सुंदर सी महाराज का। दूसरी पत्नी पालकी में बैठ के दरवाजे पे आ गई, बड़ी रानी को खबर मिली कि मेरे पति ने शादी की, मेरे पति ने मेरे कहने के अनुसार अपना विवाह कर लिया, बहुत खुश हुई। और दासी से बोली, मेरी मां की तरफ क्या देख रही हो, अरे जल्दी से दरबार पे जाओ और हमारी बहन को बुला के ला, उससे जाके कहना कि तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें घर में बुला रही, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा घर में इंतजार कर रही है, जल्दी से जा। और दासी से सारा दिया बड़ी, जा जल्दी जा। अब बोली